हेलो दोस्त, नमस्ते जोहार। मेरा नाम सुहास्ता है। मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्त, हम लोग पांच कठिया देख लिए। अब हम लोग चलेंगे भोगनाडे की ओर। जो सिद्धोकन है उनके गांव, वहां पर बड़ा सा फील्ड है, वहां मीटिंग वगैरह होता है। तो कहीं क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है तो हम लोग चलिए देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा और देखिएगा कैसे कैसे मीटिंग वगैरह होता है, मीटिंग में क्या क्या बताया जाता है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्त, इतने सारा लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर नेता वगैरह आए हैं। तो दोस्त, कुछ ही देर में यहाँ पर झारखंड के सीएम, पूर्व सीएम, मुख्यमंत्री, नेता वगैरह, एमएलए वगैरह, एमपी वगैरह आएंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहे और देखिएगा आ करके यहाँ पर क्या क्या बताने वाले हैं योजना के बारे में। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। प्लीज़ वीडियो को इसको मत करिएगा, थोड़ा देखिएगा। झुंड थी यह देश को निसंदेह साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध युवा कार्य कर देता। अंग्रेजों के नेतृत्व में कुछ इस प्रकार की अवस्था बनी थी कि संथाल उपेक्षा के शिकार होने लगे। संथालों को कमोयोगी प्रथा का शिकार होना पड़ा था। इस प्रथा के अंतर्गत कर देने वाले संथालों को महाराज आकाश तब तक करना पड़ता था जब तक वह कर्ज चुका नहीं देती। संथाल ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेने के निर्भाग्य थे, जिसका भुगतान करना उनके लिए कठिन था। ब्रिटिशकालीन अधिकारी संथालों से अधिक महाजनों और साहूकारों के प्रति संवेदनशील थे। इन सभी कारणों से संथालों का मोड धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा और 20 जून 1855 को बड़े इसी भोगनाडीह के पवित्र स्थान पर लगभग 50,000 संथाल एकत्रित हुए, जिसमें से जोगान ने हुक्म का ऐलान कर दिया, हमारा यह पुनीत कर्तव्य है कि जिन लोगों को लेकर ये शहीद हुए अपनी शहादत दी उन्हें परखने न दें, भ्रष्टाचार मुक्त और गौरवपूर्ण भारत का निर्माण करें। यही सिद्धोगान चांद भैरव फूलों और धानों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहर जिला का भोगनाडी हमने सांसों के लिए आप सच माने कि यह तीर्थ स्थल है जहां ऐसे ऐसे सुरमा पैदा हुए जिन्होंने स्वतंत्रता की आग जलाने का दुस्साहस किया। इस आंदोलनकारी के प्रति मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूं, झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये गुनाह आया है। अरे कितने खुश नसीब है वो लोग जिनका खून इस देश के काम आया है, इस देश के काम आया। इसी भोगनाडीह में सिद्धू का जन्म 1815 में, कानू का 1820 में, चांद का 1825 में और भैरव का जन्म 1835 में। संथाल विद्रोह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले चांद एवं भैरव सिद्धू कानू के भाई थे। सिद्धू कानू ने 1855-56 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता, शाहूकारों, व्यापारियों और जमींदारों के खिलाफ संथाल विद्रोह यानी होल आंदोलन का नेतृत्व किया। 30 जून 1855 को इसी भोगनाडीह की सभा में सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। इनका मुख्य नारा था भोगनाडीह से हुआ था, काफी संख्या में संथाल एकत्रित हुए। सिद्धों ने अपने दैनिक शक्ति का हवाला देते हुए सभी महाजनों को साल की टहनी भेजकर संथाल हुल के लिए आमंत्रित किए थे। यदि मैं काल मार्क्स की बात करूं
तो हमें कहा गए कि संथाल विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी जा सकती है। भगनाडे की धरती पर ऐसे वीरों को जन्म देने वाली मां को कभी भी मैं श्रद्धा नमन करता हूं, जिन्होंने अपनी ओर से ऐसे सुरों को पैदा किए जिनके सम्मान में, उन माता के सम्मान में मैं अपनी इन सबों को रखना चाहता हूं कि कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, ये मां कर गई पैदा तुझे उस कोख का एहसान है, सैनिकों के रक्त से यह आजाद हिंदुस्तान है। तिलक किया मस्तक चुमा बोली ये कफन तुम्हारा, तिलक किया मस्तक चुमा बोली ये कफन तुम्हारा, मैं मां हूं पर बाद में पहले बेटा ये वतन तुम्हारा, ये वतन तुम्हारा। धन है भैया तुम्हारी भेंट में बलिदान है, छुप गया है देश तुम्हारे दूध के सम्मान है, तुम्हारे दूध के सम्मान है, दे दिया है लाल जिसने कानू चांद भैरव की मां, मैं तेरी आरती उतारूं। आज यदि वह स्वर्ग से देखती होगी तो कितना अपने आप पर गर्व महसूस होता होगा कि मेरे लाल ने ऐसी क्रांति की, इतिहास में ऐसे स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखा कि आज मेरा भी नाम वहां लिया जा रहा है। आज वह गर्व से फूले समाती नहीं होगी।